नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने बीते कुछ सालों में निवेशकों पर जमकर पैसा बरसाया है। सीधे सीधे बात करूं तो इन स्कीम्स ने निवेशकों का पैसा पिछले 3 साल में 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। यानी अगर किसी ने इन म्यूचुअल फंड्स में 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज 3 लाख से ज्यादा हो गए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की कई कैटेगरी है। इनमें आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किसी खास सेक्टर के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स को सेक्टोरल म्यूचुअल फंड कहते हैं। इनमें एक कैटेगरी है सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड्स की। पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो दो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ वो दोनों सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड्स हैं। इन दोनों ही फंड्स का ऑल टाइम रिटर्न 28% से ज्यादा है। अगर आप सिर्फ 500 रुपए की SIP इन फंड्स में स्टार्ट करते हैं और उस SIP को 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और आपको रिटर्न मिलता है 24% का, जो कि इन फंड्स के ऑल टाइम रिटर्न से 4% कम है, तो आपके पैसे की टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 3.18 करोड़ रुपए की होगी। दोस्तों, वैसे तो आगे आने वाले कई सालों तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम 1% मान लेते हैं कि अगर आपको 24% का एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको इस इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा तो पता है आपको कितना नुकसान होगा? सिर्फ 1,80,000 रुपए का, जो कि आप 500 रुपए महीना SIP के जरिए 30 सालों में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन दो एक फंड्स के बारे में जिन्होंने निवेशकों का पैसा 3 साल में 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। हमारी पहली स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 100 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम रिटर्न है 28.29%। इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 35.38% और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 46.36% रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड का रिटर्न रहा है 76.69% का। हमारी दूसरी स्कीम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 150 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम रिटर्न है 28.05%। इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 36.37% और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 44.34% रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड का रिटर्न रहा 76.48% का। तो दोस्तों, ये दो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से 28% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इन फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप इन फंड्स में अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।